हेलो एवरीवन वेलकम टू टॉपर्स नोट्स आई एम रश्मि एंड लेट्स बिगिन विद करंट अफेयर्स आर फर्स्ट आर्टिकल इज की इंटेल ने पैट गैलसिंगर को अपने न्यू सीईओ के रूप में अपॉइंट किया ये बॉब स्वॉन को सक्सीड करेंगे जो कि फिफ्टींथ फरवरी तक इंटेल के सीईओ के रूप में काम करेंगे एंड सबसे रिसेंटली देखा जाए तो दो तक गेलसिंगर ने वी के सी के रूप में काम किया था एंड ये एक इंडस्ट्री वेटरन है जिनके पास चार दशकों से ज्यादा का टेक्नोलॉजी और लीडरशिप का एक्सपीरियंस है एंड साथ ही ये तीस वर्षों से इंटेल के साथ हैं जहाँ पे जहाँ से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सो इंटेल की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1968 में एंड इंटेल का हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में एंड इंटेल के फाउंडर हैं गॉर्डन मूर एंड रॉबर्ट नॉइस

एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह के मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेश के लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए एंड सीस्मोलॉजी के लिए सीस्मोलॉजी मतलब भूकंप का विज्ञान और इस 146 फाउंडेशन डे के अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनाग्रेट किया डॉपलर वेदर रडार्स को एट मुक्तेश्वर उत्तराखंड एंड काफरी हिमाचल प्रदेश में एक एमएमडीआरपीएस को जिसका फुल फॉर्म है मल्टीमिशन मेट्रोलॉजिकल डेटा रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग सिस्टम इन आईएमडी जो कि इसरो के साथ कोलैबोरेशन में है साथ ही में एक हिंदी पत्रिका मौसम अंजुषा को भी रिलीज किया जो कि साइक्लोन डिस्टरबेंसेस ड्यूरिंग 2020 पर बेस्ड है एंड ऑफिशियली एक आईएमडी का जर्नल मौसम के ऑनलाइन वेब पोर्टल को भी लॉन्च किया जो कि सीएसआई CSI के सीएसआईआर के साथ कोलैबोरेशन में है एंड एक मौसम ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि एक विशेष अंक है इसको भी रिलीज किया नेक्स्ट आर्टिकल कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया सो so ये जो अनावरण है उन्होंने किया बी के बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर हुए एक फंक्शन में उन्होंने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए इस ट्राइवरलेस मेट्रो कार को अनवेल किया

एंड बिहेवियरल लेवल पर चेंजेस लाए जाए कि कैसे फॉसल फ्यूल्स को इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाए एंड इस पूरी कैंपेन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जैसे कि साइक्लोथॉन किसानों के लिए वर्कशॉप्स होंगी सेमिनार्स होंगे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होंगे सीएनजी व्हीकल ड्राइविंग कॉन्टेस्ट होंगे एंड एक्सेट्रा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी सो इन्हीं सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आम जनता में अवेयरनेस फैलाई जाएगी एंड उन्हें बताया जाएगा कि क्लीन फ्यूल्स को यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेवन की ड्राइवर्स की बात करी थी एंड कहा था कि सेवन की ड्राइवर्स साथ में इंडिया को क्लीनर एनर्जी की ओर बढ़ने में मदद करेंगे सो so, ये जो कैंपेन है ये इन सेवन की ड्राइवर्स के बारे में लोगों को बहुत जाग, जागरूक करेगी अब देखते हैं सेवन की ड्राइवर्स में क्या क्या शामिल है सो गैस बेस्ड इकोनमी की तरफ पढ़ना क्लीनर यूज़ करना फॉसिल फ्यूल्स का एंड जो बायोफ्यूल्स हैं उनके लिए डोमेस्टिक सोर्सेज पर ज़्यादा निर्भर होना एंड जो हमने डेडलाइन सेट करके रखी है रिन्यूएबल टारगेट्स के लिए उन्हें अचीव करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करना एंड क्लीनर फ्यूल्स का यूज़ करना जैसे कि हाइड्रोजन इन सब सबको ज़्यादा यूज़ करना एंड डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल द एनर्जी सिस्टम इन सब को प्रमोट करना ये सभी चीज़ें शामिल हैं नेक्स्ट आर्टिकल इस कि आर्मी ने मेड इन इंडिया सर्वेलेंस ड्रोन के लिए ट्वेंटी मिलियन डॉलर की डील पर साइन किया है ये स्विच यूएवी की जो हाई एल्टीट्यूड वाला वेरिएंट है उसकी अज्ञात मात्रा की खरीद के लिए है अब देखते हैं स्विच यूएवी के बारे में सो so, स्विच यूएवी एक स्वदेशी सिस्टम है जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग ऑपरेशंस होते हैं सर्वेलेंस ऑपरेशंस होते हैं निगरानी वाले उसके लिए बनाया गया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट भी है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि इंडिया और जापान ने आईसीटी के फील्ड में कॉपरेशन को और बढ़ाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है। सो so, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो so, इस एमओ यू को साइन किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रविशंकर प्रसाद ने एंड जापान के मिनिस्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स एंड एंड टीका ने अब दोनों टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम इन सब की फील्ड में अपना जो म्यूचुअल कॉपरेशन है उसको और बढ़ा देगी नेक्स्ट आर्टिकल कि पचास सालों में पहली बार इस प्रतिष्ठित कर्नाटक के मंदिर में अदृश्य प्रणाम सो so, पचास सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि संक्रांति के दिन में ये गवि गंगधेश्वर टेम्पल के शिवलिंग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ी हैं एंड ये जो गवि गंगधेश्वर मंदिर है इसी को गविपुरम का गुफा मंदिर भी कहा जाता है इसे सिक्सटीन सेंचुरी में कैम्पेगोडा वन ने बनवाया था जो कि इस सिटी के फाउंडर भी हैं एंड इंडिया का रॉक कट वास्तुकला का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है ये जो गुफा मंदिर है इसे शिवा को डेडिकेट किया गया है एंड ये एक अखंड स्टोन को काट कर बनाया गया है नेक्स्ट आर्टिकल है कि अमरेश कुमार चौधरी को बहुत ही प्रतिष्ठित थल सेना अध्यक्ष के सम्मान से नवाजा गया है कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के टाइम पे आर्मड फोर्सेस के बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे थे तो उन्हीं ऑपरेशंस में अमरेश कुमार को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड मिला है कुमार मिल रेल के चीफ कंट्रोलर के रूप में कार्यरत हैं एंड मिल रेल है ये ट्रैफिक डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही एक एक्सटेंशन है जिसकी अध्यक्षता एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी लेवल के ऑफिसर्स करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इस कि महाराष्ट्र के सीएम ने ट्विटर पर ओस्मानाबाद को धाराशिफ बताया इस शहर का नाम ओस्मानाबाद हैदराबाद के आखिरी शासक के नाम पर रखा गया था जो कि सातवें निज़ाम थे मीर ओस्मान अली खान इन्हीं के नाम पर रखा गया था इनका राज्य मतलब इस क्षेत्र पर 1948 तक इन्हीं का शासन था ये धारा शिफ केव्स के बारे में देखते हैं कि ये धारा शिफ केव जो सात गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र के बालाघाट माउंटेन्स में हैं जो कि ओस्मानाबाद सिटी से सिर्फ आठ किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा माना जाता है कि केव्स को से सातवीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था एंड जो पहली केव है उसे राष्ट्रकूटों के काल के दौरान टेंथ सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था आ नेक्स्ट आर्टिकल विल मेक यू प्राउड सो एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग हब हाँ के रूप में उभरा है एंड लंडन सेकंड पर है एंड लंडन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एजेंसी के मेयर के हिसाब से इस पूरे डेटा को एनालाइज किया है लंडन एंड पार्टनर्स ने एंड इसी सेम पीरियड ऑफ टाइम में मुंबई 0.7 बिलियन डॉलर से 1.7 टाइम्स बढ़कर 1.2 बिलियन डॉलर्स की हो गई है एंड एक ग्लोबल लिस्ट में वर्ल्ड टेक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए बेंगलुरु को सिक्स रैंक मिली है देखते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सो बेंगलुरु ने जिस लिस्ट में टॉप किया है सो so, बैंगलुरु को फॉलो किया है यूरोपियन सिटीज़ ने लंडन मुनीक बर्लिन एंड पेरिस ने एंड इंडिया का जो फाइनेंशियल सेंटर है मुंबई वो सिक्स प्लेस में है एंड बैंगलुरु वर्ल्ड टेक वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट में सिक्सथ पोजिशन में है so, सो इस लिस्ट में टॉप किया है बीजिंग ने एंड जो टॉप फाइव है वो है सैन फ्रांसिस्को न्यूयॉर्क एंड लंडन ये सब भी सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही Thank you so much for watching.